ये मन का बस सुन के एक शायर की शायरी याद आ गई कि वो शायर कहता है कि या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम अच्छा लगता है। अरे लोग मुझे कहते हैं काफिर, ये तेरे इश्क में ये इल्ज़ाम अच्छा लगता है। तो दूसरी इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, मोमिन हमेशा तुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक तुझसे हमेशा बुक्स रखेगा। ए अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, ए अली तेरा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त खुदा का दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन खुदा का दुश्मन। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम के मैदान में इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके फरमाया कि मन कुंतुम मौला ए फहाजा अली उन मौला, ए अली मैं जिस जिस का मौला हूँ तुम भी उस उसके मौला हो। तो दूसरी हदीस ये आती है कि ए अली तेरा चेहरा देखना इबादत है, तेरा जिक्र करना इबादत है, तेरे को सुनना इबादत है ए अली। फिर दूसरी पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई कि नादे अली, जब भी मुश्किल आए, जब भी मुश्किल आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम तो मुश्किल खुशा हैं, शेर खुदा हैं, अल्लाह के वली हैं। तो एक दुआ बताई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नादे अली यन मज़र अल अजाइब सजिका उल ओन नकाफिन नवाइब कुल्लू अमिन वगमिन सैन जली बे असमत कया, या अल्लाह बे नबूत कया, या मोहम्मद बे विलायत कया, या अली या अली या अली। ए अली तेरा जिक्र इबादत है, ए अली तुझे देखना इबादत है, अली तुझे सुनना इबादत है। तो